हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो मित्रों, शारदीय नवरात्रि 2023 आरंभ होने वाली है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि जो शारदीय नवरात्रि है वो कब से शुरू हो रही है, शारदीय नवरात्रि कब समाप्त होगी, दुर्गा नवमी, दुर्गा दशमी कब है, दशहरा कब मनाया जाएगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो शारदीय नवरात्रि होती है, तो पूरे भारत में जो नवरात्रि का त्योहार होता है बेहद ही खास होता है और नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, यानी कि जो माँ दुर्गा होती है उनके 9 स्वरूपों की पूजा हम करते हैं। और इस बार जो शारदीय नवरात्रि है, यानी कि जो 2023 की शारदीय नवरात्रि है, वो 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है और ये 24 अक्टूबर को खत्म होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर बात करें तो अश्विन मास के जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है उसमें शारदीय नवरात्रि हम मनाते हैं। अब अगर हम धार्मिक मान्यताओं की माने तो शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का एक बहुत ही अच्छा महत्व होता है और 9 दिन तक देवी माँ के उपासना करने से जो साधक होता है उसे सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। तो हमारे हिंदू संस्कृति में शारदीय नवरात्रि का बहुत ही ज्यादा महत्व है क्योंकि दशहरा भी इसी में मनाया जाता है और दुर्गा पूजा जो होती है वो भी इसी में मनाया जाता है। अभी देखिए, पहले बात करते हैं कि इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि क्यों कहा जाता है। तो देखिए, जो अश्विन मास होता है वो शरद ऋतु के अंदर आता है और अश्विन मास में ही शरद ऋतु की शुरुआत होती है, इसीलिए जो ये नवरात्रि है शरद ऋतु में आने की वजह से इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इसे शारदीय नवरात्रि में घर घर में माँ दुर्गा की पूजा तो की ही जाती है, साथ साथ में व्रत भी रखा जाता है और माँ दुर्गा की सच्चे मन से अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसा हमारा मान्यताओं में कहा गया है कि भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा उन्हें प्राप्त होता है। पश्चिम बंगाल में इस नवरात्रि के समय दुर्गा पूजा का उत्सव बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही ज्यादा विशाल तरीके से शारदीय नवरात्रि में की जाती है। तो देखिए, अगर हम नवरात्रि तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की जो प्रतिपदा तिथि है तो उस दिन 14 अक्टूबर को रात के 11:24 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी और जो प्रतिपदा तिथि है उसका जो समापन होगा वो 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर होगा। यानी कि जो शारदीय नवरात्रि है, क्योंकि रात 11:24 के बाद में पूजा हिंदू मान्यताओं में नहीं करी जाती, तो शारदीय नवरात्रि को 15 अक्टूबर से ही इस बार शुरू किया जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की बात करें तो पंचांग के अनुसार जो शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि है तो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 11:48 से दोपहर के 12:36 तक रहेगा। तो ऐसे में जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो 48 मिनट का होगा। अब देखिए, जो दिन का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है वो हमारा अभिजीत मुहूर्त होता है, तो इस बार भी जो हम नवरात्रि की पूजा शुरू करेंगे यानी कि कलश स्थापना करेंगे वो अभिजीत मुहूर्त में करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। यानी कि सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 के बीच में अगर हम कलश स्थापना करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा और ये विशेष फल हमारे लिए लेकर आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, अगर हम कैलेंडर की बात करें तो देखिए सबसे पहले दिन नवरात्रि का जो 15 अक्टूबर होगा उस दिन घट स्थापना के साथ में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और साथ में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भी की जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा दूसरे दिन भी करेंगे, यानी कि जो माँ ब्रह्मचारिणी है उनकी पूजा 16 अक्टूबर को भी की जाएगी। जो तीसरा दिन होता है उसमें माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी 17 अक्टूबर को और 18 अक्टूबर को कूष्मांड पूजा की जाएगी, यानी कि माँ कूष्मांडा की पूजा की जाएगी और 18 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी भी सेलिब्रेट की जाएगी। उसके बाद 19 अक्टूबर को स्कंद माता भग माता की पूजा की जाएगी, 20 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी, 21 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी, 22 अक्टूबर को देखिए रामनवमी मनाई जाएगी और 22 अक्टूबर को माँ अष्टमी की पूजा, माँ महागौरी की पूजा और सरस्वती माँ की पूजा की जाएगी। उसी के साथ ही साथ में जो 23 अक्टूबर होगा उस दिन काफी ज्यादा रामनवमी भी होगी, महानवमी मनाई जाएगी और नवरात्रि का पारण मनाया जाएगा। और जो 24 तारीख होगी यानी कि जो 24 अक्टूबर होगा
उस दिन विजयदशमी मनाई जाएगी, यानी कि जो 24 अक्टूबर को हम लोग विजयदशमी मनाएंगे। तो ये देखिए शारदीय नवरात्रि का जो कैलेंडर है वो इस तरह से हमारा शारदीय नवरात्रि का कैलेंडर चलेगा, और ये जो नवरात्रि है इस बार इस तरह से हम लोग उसे शुरू करेंगे। तो 24 अक्टूबर को इसका समापन हो जाएगा। तो देखिए जो शारदीय नवरात्रि होती है इसमें व्रत रखने का भी विशेष फल माना जाता है, व्रत रखते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा रहता है। तो इस शारदीय नवरात्रि में हम भगवान की जो पूजा है, माता की जो पूजा है, उसे पूरी श्रद्धा से करें, पूरे सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति माता हमें जरूर देंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमको अच्छा लगा होगा और इसमें काफी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है इस शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कलश स्थापना के मुहूर्त को लेके कोई सवाल है, तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए और लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।